हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है बेसन के लड्डू बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए ये हमने 1 किलो बेसन लिया है और 1 किलो घी लिया है और 1/4 किलो हमने खांड ली है। हम घी भी 1/4 किलो ही डालेंगे, इसमें से थोड़ा सा घी मैं बचा लूँगी। तो आइए बनाते हैं हम बेसन के लड्डू। हमने कढ़ाई ली है और सबसे पहले मैं इसमें घी डालूंगी। और मैं इसमें से ये 250 ग्राम के आसपास घी बचा लूंगी। ये मैंने घी बचा लिया है। घी हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये बेसन डाल दूंगी। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और ये हमारा बेसन घी में अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसे हम भूनेंगे जब तक ये एक बेसन हमारा घी ना छोड़ दे। हम बेसन को इसी प्रकार से भूनते रहेंगे स्लो गैस पे ही, जिससे कि बेसन का अच्छा कलर आएगा और बूंदी अच्छी तरह जाएगा ये बेसन स्लो गैस पे। ये हमारा बेसन धीरे धीरे भुनने लगा है और ये फूलने भी लगा है बेसन हमारा। अब मैं गैस की फ्लेम तेज कर देती हूँ। अब हम इसे तेज फ्लेम पर ही भुनेंगे। ये हमारे बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। बाहर जाके ये हमारे बेसन ने भुन चुका है ये और इसने कलर छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसे मैं 4 से 5 मिनट तक और भूनूंगी बेसन को। अब मैं इसमें ये 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दूंगी। मैंने यहाँ बारीक बेसन का इस्तेमाल किया है, आप चाहे मोटे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये हमारा बेसन भून चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे इसी प्रकार से एक दो मिनट तक हिलाती रहूंगी। इसे मैं इसी प्रकार से एक मिनट और हिलाऊंगी जिससे कि ये नीचे ना लगे। गैस हमने बिल्कुल ही बंद कर रखी है और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी हिला हिला के। एक से दो मिनट हो चुके हैं इसे हिलाते हिलाते। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इसे मुझे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा ही ठंडा करना है। जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, 5-7 मिनट बाद मैं इसमें देसी खांड डाल दूंगी। ये हमारा बेसन थोड़ा ठंडा हो चुका है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है। और अब मैं इसमें ये खांड डाल दूंगी। ये मैंने 1.25 किलो खांड ली है और इसे मैं मिक्स कर लूंगी। इसमें मैं गैस से नीचे उतार के मिक्स करूंगी। हाथ से मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये गर्म है अभी। और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दूंगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैं ठंडा होने दूंगी और इसे कोसा कोसा ही गर्म रहने दूंगी। अभी तो ये गर्म है। ये हमारे बेसन का पेय अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। और ये हमारे बेसन का पेस्ट ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे हाथ से एक बार मिक्स कर लूंगी। और अब मैं इसके लड्डू बनाने स्टार्ट करूंगी। और इन्हें मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। आप चाहे इसके अंदर मगज भी डाल सकते हो, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मैंने बिल्कुल सिंपल रखे हैं ये। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मैं इसी प्रकार से अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लूंगी।
ये हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।